नमस्कार और साक्षी न्यूज नाटक और आप सभी का स्वागत है। फिल्मों में कश्मीर की वादियों को तो खूब दिखाया जाता है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि कश्मीर में कोई सिनेमाघर नहीं है। दरअसल 90 के दशक में जब यहाँ आतंकवाद और कट्टरवाद बढ़ा तो उसका सबसे पहला शिकार सिनेमाघर ही हुए थे। हमलों के बाद जो छोटे मोटे सिनेमाघर कश्मीर में थे वो बंद हो गए थे, और अनुच्छेद 370 हटाए जाने से पहले जिस तरह का माहौल था उसको देखते हुए किसी की हिम्मत भी नहीं थी कि कोई कश्मीर में सिनेमाघर खोलने की सोच भी ले। लेकिन अब हालात बदले हैं, लोग मुख्यधारा से जुड़ रहे हैं और विकास प्रक्रिया तेज हुई है, तो कश्मीर के लोगों को भी वह सुविधाएं और मनोरंजन के साधन मिल रहे हैं जो कि देश के दूसरे हिस्सों में बहुत पहले से उपलब्ध हैं। इसी कड़ी में कश्मीर में 30 सालों के अंतराल के बाद कोई सिनेमाघर खुलने जा रहा है। 520 सीटों के साथ आइनॉक्स मल्टीप्लेक्स सिनेमा खुलने की खबर से कश्मीर घाटी के लोगों की खुशी देखते ही बन रही है। हम आपको बता दें कि श्रीनगर के शिवपोरा इलाके में 3 ऑडिटोरियम, 520 सीटों, लॉबी एरिया में फन जोन और अन्य सुविधाओं के साथ यह मल्टीप्लेक्स सिनेमा सितंबर में खुल जाएगा। श्रीनगर के शिवपोरा इलाके में खोले जा रहे कश्मीर के इस पहले मल्टीप्लेक्स सिनेमा के मालिक विकास धर ने कहा है कि वास्तव में यह मेरे माता पिता के सपने के पूरा होने जैसा है। उन्होंने बताया कि इस काम में हमें सरकार ने हर तरह का प्रोत्साहन दिया है। प्रभा साक्षी से बातचीत में उन्होंने कहा कि इस पहल के पीछे मकसद यह है कि एक तो बच्चों को मनोरंजन की सुविधा मिले और दूसरा कश्मीर और भारतीय फिल्म उद्योग के बीच का बंधन मजबूत हो। सर, इसको कोई 3-4 साल लग गए हैं हमें कंस्ट्रक्शन में, और ये इनिशिएटिव हमने इसलिए लिया बिकॉज हमें लगा कि हमारे जो यहाँ पे नौजवान हैं, जो बच्चे हैं, उनको वो फैसिलिटीज़ एंटरटेनमेंट के लिए नहीं मिलती है जो रेस्ट ऑफ द कंट्री में मिलती है। इसलिए हमने सोचा कि हमें फर्स्ट होना चाहिए जो वो फैसिलिटीज़ लेके यहाँ आएगा। सर, यहाँ 3 ऑडिटोरियम्स रहेंगे सर, तीनों की कैपेसिटी टोटल 520 सीट्स की रहेगी, और इसके अलावा हमारे पास कंसेशन स्टोर्स हैं, जो कंसेशन काउंटर्स आपको वर्ल्ड में मिलते हैं, नाचोज मिलते हैं, पॉपकॉर्न मिलता है, आइसक्रीम मिलती है, वो यहाँ पे भी रहेगा। उसके अलावा इसके ऊपर वी आर अभी हम नेगोशिएट कर रहे हैं, नॉट नेगोशिएट आई शुड से, अभी हम फाइनल टचेस दे रहे हैं कि जे एंड के का लार्जेस्ट फन जोन जो 2 साल के बच्चों से लेके वेल आजकल तो बच्चों की कोई एज नहीं है, सो 2 साल बच्चों ऑनवर्ड्स वो यहाँ पे आके खेल सकेंगे। सॉफ्ट स्किल, सॉफ्ट टॉयज़ होंगे, आपके वीडियो गेम्स होंगे, आपके होपफुली बॉलिंग एलिस होंगे, सो दैट इज़ वो ऊपर आएगा सर। उसके बाद एक फूड कोर्ट होगा, वो अभी प्लानिंग स्टेजेस में है, जिसमें हम अपना जो कश्मीर का फूड है, कल्चर है, उसको भी दोबारा डिस्क्राइब करेंगे, दिखाएंगे। उसमें कोई इंटरनेशनल चेंज नहीं आएंगी, जो हमने सोचा है कि हम अपने लोकल एंटरप्रेन्योर्स को बढ़ावा देंगे। सर, मैं गैप नहीं कहूँगा सर, बिकॉज मुझे लगता है हमारे बच्चे ग्लोबल सिटीजन्स हैं और कल्चरली बहुत अवेयर हैं, बट हाँ ये है एक कमी रही है इन द सेंस कि जो फैसिलिटीज़ वहाँ मिलती है वो यहाँ क्यों ना मिले। मैं आपको एक बात बताऊँगा कि कुछ बच्चों को इंटरव्यू कर रहा हूँ, बिकॉज हम चाहते हैं कि सारे हमारे जो भी यहाँ पे एम्प्लॉयज़ हों वो लोकल हों। सो कुछ बच्चों को इंटरव्यू कर रहा हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों ने कभी सिनेमा हॉल में पिक्चर देखी नहीं है, तो अब उनको ट्रेन कैसे करें, उनको समझाएं कैसे कि करना क्या है, दैट इज़ ऑल्सो अ चैलेंज। सो यस, थोड़ी कमी रही है, बट जल्द से जल्द आई होप जैसे हमने देखा है मल्टीप्लेक्सेस ने वर्ल्ड वाइड थोड़ा ना थोड़ा कल्चरल चेंज लाया है, एक स्मॉल कल्चरल रेवोल्यूशन आता है सर। होपफुली ये शुरू करेंगे, बाकी लोग भी शुरू करेंगे, तो वो थोड़ा सा रेवोल्यूशन यहाँ भी आएगा सर। फिल्म लवर्स के लिए ये मैसेज रहेगा कि बनाया हमने बहुत प्यार से है सर, थोड़ा प्यार दीजिए, थोड़ा आके देखिए, अपना दिल खुश करके जाइए यहाँ से, दैट्स ऑल आई वांट टू से। ये तो नॉलेज है, क्योंकि हम लोग सबसे वन ऑफ द बेस्ट सिनेमाज ब्रॉडवे सिनेमा चलाते थे 30 ईयर्स अगो। कंटिन्यूइंग फ्रॉम दैट, अब आपको बेसिक हमारा सजेशन ये था, आइडिया कि यहाँ के जितने भी यंगस्टर्स हो, बड़े हो, बुजुर्ग हो, उनको भी वही क्वालिटी सिनेमा मिलना चाहिए जो उनको जम्मू में मिलता है या दिल्ली में मिलता है। हम भी अगर कभी जाते हैं जम्मू तो पहली चीज़ सब करते हैं कि सिनेमा कौन सा लगा, किस मॉल में लगा है, कौन सी अच्छी पिक्चर है, जाके देखते हैं।
यहाँ पे क्यों ना वही हो, बेस्ड होगी, बिल्कुल लोकल बेस्ड होगी, एम्प्लॉयमेंट लोकल बेस्ड होगी। और यहाँ पे जितने भी आप तो तुझी खाते, तो मैं अपनी तुझी क्यों नहीं प्रमोट कर सकता हूँ, मैं क्यों मैकडॉनल्ड्स प्रमोट करूँ। कोशिश हमारी यही रहेगी कि हम अपना अपना जितना भी हमारा अपना है कल्चर है वो प्रमोट करें, उसको बढ़ावा दें। और फिर एक ब्रांड कश्मीर है, कश्मीर जैसा ब्रांड आजकल वर्ल्ड में बेस्ट है। तो अगर आप कहेंगे साहब कश्मीर की रोटी खा रहा हूँ मैं, तो 10 आदमी उसी पे खुश हो जाएंगे। तो मेरा तो वही ख्याल है कि हम अपने आप को जितना कश्मीर का मिसलन आपको शायद दिल हो, आप तो छोटे हो, मगर सबसे ज़्यादा ब्रेड वैरायटी कश्मीर में एनी पार्ट ऑफ द इंडिया पे, बट इज़ नॉट बीन प्रमोटेड। हमारे जैसे मैंने कहा कि हमारा खाना पीना नहीं प्रमोट हुआ, हमारा कावा नहीं प्रमोट हुआ, हम कावा क्यों नहीं प्रमोट कर सकते इंस्टेड ऑफ एस्प्रेसो कॉफी। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।